गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, द मीनिंग ऑफ लेसन 10 इज कम्प्लीटेड इन द प्रीवियस वीडियो. टूडे वी विल सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. स्टूडेंट्स ओपन द बुक पेज नंबर 57. मौखिकम, परस्पर मेलनम कृत उच्चारित च, इसको क्या करना है, मैच करना है. एक यहाँ पर एक इधर शब्द रूप दिया हुआ है और उसी के आधार पर इधर संख्यावाचक कर दिया गया है. एका बालक, एकम बालकम, एकेन बालकेन, एकस्मै बालकाय, एकस्मात् बालकात्, एकस्य बालकस्य, एकस्मिन् बालके. एक पदन लिखितम, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए. केवल एक ही पद में उत्तर देना है. आप लोग इसमें भी फुल सेंटेंस लिख देते हो. नंबर वन, एतत् चित्रम कस्य अस्ति, यह चित्र किसका है. आंसर इज भोजन कक्षस्य. नंबर टू, चित्रे कति जना सन्ति, चित्र में कितने लोग हैं. षट, केवल षट, षट मीन्स छ. नंबर थ्री, ते कासु उपविष्टा, वे कहाँ पर बैठे हैं. आंसर इज आसन दिकासो, कुर्सियों पर, है ना. नंबर फोर, फलकस्य मध्ये किम अस्ति, मेज के बीच में क्या है. आंसर इज पुष्प गुच्छम, गुलदस्ता है. नंबर फाइव, घटिका कुत्र अस्ति, घड़ी कहाँ है. आंसर इज भीतौ, भीतौ दीवाल पर. नंबर सिक्स, कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए या कैसा जल पीना चाहिए. आंसर इज स्वच्छम, यानी कि साफ. नंबर सेवन, कस्मात पूर्वम हस्त पादम प्रक्षालयेत, किससे पहले हाथ पैर को धोना चाहिए. किससे पहले, क्या करने से पहले. भोजनात, आंसर इज भोजनात, भोजन से पहले. नंबर टू, एक वाक्यन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए. फलके किम किम अस्ति, मेज पर क्या क्या है. ओपन द बुक पेज नंबर 55. फलके, आंसर इज फलके. सूप पात्रम, साग पात्रम, जल कुंडम, ओदन पात्रम च अस्ति. ओके, आई रिपीट, फलके, फलके, सूप पात्रम, साग पात्रम, जल कुंडम, ओदन पात्रम च अस्ति. ओके, नंबर टू, परिवार से सदस्या कुत्र उपविष्टा सन्ति, परिवार के सदस्य कहाँ बैठे हैं. तो आंसर इज परिवार से सदस्या. काष्ठ फलकम परिता आसन दिकासु उपविष्टा सन्ति. ओके, आई रिपीट, परिवार से सदस्या. काष्ठ फलकम परिता आसंदिकासु उपविष्टा सन्ति. ओके, नंबर थ्री, परिवारे षट सदस्य के सन्ति, परिवार में छह सदस्य कौन हैं. आंसर इज परिवारे षट सदस्य माता पिता पुत्र पुत्री पितामह पितामही च सन्ति. रिपीट, परिवारे षट सदस्या माता पिता पुत्र पुत्री
पितामह पितामही च संति। परिवार के सदस्य कौन कौन है? माता पिता पुत्र और पुत्री दादाजी और दादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। कीदृशम का किम कस्मिन, कीदृशम कैसा या किस प्रकार, का कौन, किम क्या, कस्मिन किसमें। नंबर 1, ते करंड के फलानी संति, करंड के फलानी संति। यहाँ पर जो कलरफुल वर्ड है उसके स्थान पर हम लोग को यहाँ से सिलेक्ट करके और पूरा सेंटेंस लिखना है। ओके, तो करंट के स्थान पर क्या हो जाएगा, कश्मीन, कश्मीन फलानी संति। ओके, फुल सेंटेंस इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर नंबर 2, भीतो घटिका अस्ति, दीवार पर घड़ी है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, दीवार पर क्या है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटी का स्त्रीलिंग है इसीलिए यहाँ पर का लग जाएगा। ओके, तो भीतो का अस्ति। ओके, और क्वेश्चन मार्क देना है, क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं इसीलिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में देना कंपलसरी है। नंबर 3, भोजनात् पूर्वम हस्त पादम प्रक्षालयेत, भोजन से पहले हाथ पैर धोना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, भोजन से पहले क्या धोना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा भोजनात् पूर्वम किम प्रक्षालयेत। ओके, नंबर 4, स्वास्थ्यकरम भोजनम खादेत, स्वास्थ्यकरम स्वास्थ्य के लिए भोजन खाना चाहिए। तो यहाँ पर कैसा भोजन खाना चाहिए, कीदृशम, कीदृशम भोजनम खादेत। ओके, नंबर 4, कोष्ठकात् उचितम विशेषण पदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, कोष्ठक से उचित विशेषण पद को चुनकर क्या करना है, वाक्य पूरा करना है। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एतत् चित्रम भोजन कक्ष्यस् अस्ति, यहाँ पर ऐसा होगा या एतत् होगा, आंसर यहाँ पर एतत् दिया हुआ है, यह चित्र भोजन कक्ष का है। नंबर 1, डैश चित्रे 60 जना संति, चित्रे चित्र में 6 लोग हैं, तो क्या होगा, इस चित्र में, इसलिए हो जाएगा एतस्मिन, एतस्मिन। नंबर 2, परिवार से सदस्य डैश दृश्यन्ते, प्रश्ना और प्रश्नम, आंसर इज प्रश्ना, परिवार से सदस्य प्रश्ना दृश्यन्ते। नंबर 3, डैश जलम पिबेत, डैश जल को पीना चाहिए, कैसा जल पीना चाहिए, आंसर इज स्वच्छम, स्वच्छम जलम पिबेत। नंबर 4, डैश करंड के फलानी संति, मेज पर फल हैं, एकस्मिन, आंसर इज एकस्मिन करंड के फलानी संति। नंबर 5, अत्र डैश पुष्प गुच्छम अस्ति, अत्र एकम, चूंकि ये क्या है, नपुंसक लिंग है इसीलिए यहाँ पर एकम हो जाएगा, अत्र एकम पुष्प गुच्छम अस्ति, और कल भी आप लोग को ऑनलाइन क्लास में बताया गया था, है ना। नंबर 5, कोष्ठक दस्य शब्दस्य उचित रूपम रिक्त स्थाने लिखत, कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उचित रूप से रिक्त स्थान में लिखें। मृगा मृगे सह चरन्ति, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिरण हिरणों के साथ चरते हैं, तो यहाँ पर मृगे हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1, डैश परिता वृक्षा संति, यहाँ पर विद्यालय दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालयम, क्यों हुआ विद्यालयम, क्योंकि चारों ओर है, चारों ओर, दोनों ओर और सब ओर रहने से क्या होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है, जिसके चारों ओर है उसमें द्वितीय विभक्ति, जैसे यहाँ विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं, तो किसके चारों ओर हैं, विद्यालय, तो विद्यालय में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ओके, नंबर 2, डैश भोजन पूर्वम हस्तो प्रक्षालयेत, भोजन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भोजनात्, भोजन से पहले, है ना, भोजनात्। नंबर 3, जलेन बिना कुतः जीवनम, यहाँ पर जल दिया हुआ है, तो जल के बिना, यहाँ पर जल के बिना क्या होगा, यहाँ पर बिना आया है इसीलिए इसमें
तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग है, जहाँ पर बिना आता है वहाँ हमेशा तृतीय विभक्ति ही लगाई जाती है। नंबर फोर, डैश परिवार सदस्या भोजनम खादन्ति, यहाँ पर परिवार दिया हुआ है तो परिवार के सदस्य होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर, परिवार सदस्य भोजनम खादन्ति। नंबर फाइव, ते डैश आसंदिका उपविशन्ति, आसंदिका मीन्स कुर्सी, तो वे आसन दिकासु हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आसन दिकासु उपविशन्ति, कुर्सियों पर बैठे हैं। ओके, थैंक यू।